भाई राम राम। राम राम भाई। भाई फरवरी का महीना चला हुआ है जी, इस महीने में काफी जो डे आते हैं, वैसे तो हमारी सभ्यता के अनुरूप नहीं है वो, मैं मानता हूँ, सभी का अपना अपना व्यू है मानने का। वैलेंटाइन डे है, किस डे है, हग डे है, चॉकलेट है, काफी तरह के जो डे आजकल आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा एक बार हमारे व्यूअर्स को बताओगे? यह बड़ी अजीब बात है यार जी। मैं ना उसकी मैं बुराई के पक्ष में, ना उसके मैं अच्छाई के पक्ष में जी। फिलहाल तो 14 फरवरी एक ब्लैक डे के रूप में है जी। जी पिछले साल जो पुलवामा का कांड हुआ था फौजियों का, मैं उसके पक्ष में हूँ फिलहाल तो जी, भाई जी, जी। क्योंकि उनके परिवार को, अगर उनके पास हम नहीं जा सकते, जो हमारे फौजी भाई जहाँ भी हैं, हरियाणा के अंदर हैं या बाहर भी, हम जहाँ भी हैं क्यों ना हम उसके साथ एक फूल देकर सेल्फी ले वहाँ जी जी जी, है ना जी। कहीं 2-4 फौजी भाई जान लग रहे हैं, उनके अपने देश के खातिर लड़ाई में जी, जब वे कहीं जावे तो हम क्लैपिंग क्यों ना करें उनके लिए जी जी जी, है ना। तो ऐसा हमने सोचना चाहिए। बाकी किसी की अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो भी कोई गलत नहीं है, है तो है भाई, के बात लेकिन है। कहीं अगर किसी का कोई बॉयफ्रेंड है तो क्या गलत है, ठीक है भाई, उनकी अगर विचार मिल रहे हैं तो वे हैं तो हैं, इस बात में तो क्या कहना नहीं। जैसे ये अंग्रेजों का त्यौहार मानता हूँ मैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सोचता हूँ ये हमारा त्यौहार या कोई भी ऐसा डे नहीं है। इस दिन मेरे हिसाब से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि जो ये दिन, जो 14 फरवरी का दिन उन्होंने निर्धारित किया है, मेन हमारे उन वीर शहीदों को जो है बुलाने के लिए कहीं ना कहीं ये डे उन्होंने निर्धारित किया। आप इसके देखो, बारे जो में क्या हमारी यह एजुकेशन है जी, अंग्रेजों का जब आगमन हुआ था जी, जी। तो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि भारत को कैसे टुकड़े करे जाए, भारत का कैसे नुकसान किया जाए जी। तो उन्होंने देखा कि हमारे देश के अंदर 100% साक्षरता है जी, 100% साक्षर लोग हमारे देश के अंदर थे। तो उन्होंने अपने सब अपने वहाँ पे जब अंग्रेजों की मीटिंग होती थी उसमें पेशकश रखी थी कि अगर इंडिया पे गुलाम करना है ना तो हमारी एजुकेशन को वहाँ डालो जी, उनके एजुकेशन को ख़त्म करो जी जी जी। तो उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम बदलाव कर दिया। आज हम कह रहे हैं 60% है, 63% है, 68%, अरे हमारे देश में 100% साक्षरता होती थी जी जी जी। उनकी एजुकेशन आई तो थोड़ा सा विनाश हुआ जी। उनके जो त्यौहार हैं, मैं तो ये कहता हूँ भाई किसी के त्यौहार का कोई मजाक नहीं होता, वो भी एक होली डे है, उनका कोई बात नहीं है जी। लेकिन अगर हम अपने संस्कारों को भूल के उनको प्राथमिकता देंगे तो वो गलत है जी जी जी। इस दिन मातृपितृ दिवस भी बहुत सारे लोग मना हैं, सही है, गलत कुछ नहीं है, सोच का फर्क है, कौन किस हिसाब से किसने सोचा है। मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि भाई माता पिता के साथ ना मनाओ, मनाना चाहिए। मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ ना मनाओ, मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए भाई। फौजियों के लिए मनाओ, फौजियों हमारे देश की सेवा कर रहे हैं जी। तो भाई आदमी ना हर हिसाब से सारी बात सोचनी चाहिए, एक ही साइड ना रहे भाई, मेरा ही मेरी गर्लफ्रेंड सब कुछ है, मेरा ही बॉयफ्रेंड सब कुछ है, और इसी सोच में रहे, फिर ये नैरो माइंडेड मतलब वैलेंटाइन डे प्यार का दिन कहा जाता है, मतलब प्यार से मतलब ये नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड हो, माता पिता भाई बहन कोई भी वो हो सकता है। आप क्या मानते हो इसको? देखो अब वैलेंटाइन डे जो है, जो मैंने सोचा है जी, फादर्स डे है जी, पिता के लिए प्यार है जी, मदर्स डे है मदर के लिए प्यार है जी, तो इस तरह से बहुत त्यौहार हैं। ऐसे त्यौहार जी जी हमारी संस्कृति में है जी जी, वो वैलेंटाइन के नाम से नहीं है जी जी। श्रावण के महीने में त्योहार आवे हैं, रक्षाबंधन त्योहार है, माता पिता का त्योहार है जी। तो माता पिता अपने बेटे खातर जो व्रत रखे वो त्योहार है जी जी जी। पत्नी अपने पति खातर व्रत रखे वो त्योहार है जी जी। वो रूप तो हमारे पास है जी जी जी। लेकिन इसका नेगेटिव मॉडिफाई कैसे कराया जा रहा है वो एक पाश्चात्य कल्चर है जी जी। तो हर एक त्यौहार की जो है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी राय होती है। ये जगदीप भाई ने अपनी राय दी जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का जो दिन आने वाला है, तो ये आपको भाई की कैसी लगी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, जय हिंद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।